लाइफ यस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल ओमकार वैशाली सौरभ सागर भूषण मोहिनी प्रीति एज यूजुअल हाई वनती ऑडियो वीडियो परफेक्ट थैंक यू सो मच वैष्णवी परफेक्ट परफेक्ट मेरे को लगता है वो अभी रेस हो रहा है जल्दी सर ऑडियो वीडियो परफेक्ट ऑडियो वीडियो परफेक्ट बोलने का चलो क्लियर है सब लोग थैंक यू थैंक यू स्टार्ट करें सेशन के साथ विल बी डिस्कसिंग योर मेन्स लेवल दॅट इज आयबीपीएसपीओ प्रिमेबली आपण रोज टेलिग्राम सेशनमध्ये तर पदव सॉल्व करतोच काय जायचं म्हणणं सर डेटा सफिशियन्सी सर त्यान पिन करा डेटा सफिशियन्सी त्यानंतर तुमचे इनपुट आउटपुटचे वेगळे टाईपचे क्वेश्चन्स वे तुम्ही घेत नाही म्हणजे सर क्रिटिकल रिझिंग कुछ लोगों का बोलला था सर क्रिटिकल ले रिझिंग बी रहे शिका बट क्रिटिकल रिझिंग तुम्ही घेत नाहीये म्हटलं यात पॉईंट तर बरोबर आहे म्हटलं कारण की टेलिग्राम सेशनमध्ये कसं असतं प्रत्येक वेस इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग अइंट्स ना एक्सप्लेन करता टाइप करा लगता लग है तो प्रत्येक कहते नहीं बदलता आंसर तो तुम्हें एक पांच मिनट दह मिनट डिफाइन कर तो यहाँ से बैठ रहा है पॉइंट इज दिस सेशन विल बी ओनली एंड ओनली फॉर दोज वेर द क्वेश्चन आर नॉट बीन टेकन इन योर टेलीग्राम सेशन सो ऐसे क्वेश्चन विल बी टेकिंग विच आर नॉट टेकन इन योर टेलीग्राम ओके चलो तो फिर ऐसे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो मेस लेवल में पूछ सकते हैं वाले क्वेश्चन लेंगे ठीक है

वेरी गुड रियल मी ओनली सींगल है तो चलो फिर स्टार्ट करते प्रगति यस भूषण एवरी वन इज देर नो डाउट फिर लक्ष्य जाता है स्टार्टिंग पासन कदाचित एखाद का डाउट जर रहा मेरा क्लियर होता है यार पहले से इसका कुछ डाउट जेन्यून रहेगा ठीक है चलो स्टार्ट करते फिर साथ

दोन मिनिटाचा वेळ देऊन टाका सर टू मिनिट्स ऑन द क्लॉक चलो सुर्भी से वन मनीषा सेन एंड थ्री एक पेक्षा जाऊन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री कोई भी आ सकता है या सिर्फ इंडिविजुअल भी आंसर आ सकता है ठीक है सर ट्वेंटी फाइव सेकेंड बाकी ओके पहली बॉल पे विकेट जाती है क्या देखते कितने लोगों की फर्स्ट बॉल वर डायरेक्ट क्लीन बोल्ड है बहु अपन भरत खेड़कर मन ओनली वन श्वेता सेज सेव टू, यू हाँ टू

अपना इंटरस्टेंगल वाला पार्ट सिंपल लैंग्वेज द वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम अराइजिंग फ्रॉम द मर्जर ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक होल्स इन अ डिस्टेंट स्पेस ओके एंड डिटेक्शन हैड बीन अ लॉन्ग टाइम परस्यूट ऑफ फिजिक्स ठीक है अभी सबसे पहले बोला क्या वो पार्ट समझते जो कोणता तुमची ऑब्झिव्हिटरी आहे ऑब्झिव्हटरी कॉलेज कॉलेजमध्ये बघा तुमच्याकडे फिजिक्स लॅब असते केमिस्ट्री लॅब असते तो एस एक ऑब्जर्वेटरी एक लॅब नाम था वो लॅब का लीगो बुल के तो उसको नोबल प्राइज मिला है क्यों नोबल प्राइज मिला है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इधर तक का क्लियर दीज वेव्स आर रिपल्स इन द फॅब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम ही जी वेव्स आहे हे रिपल्स आहे जर तुम्ही एखादा समजा आपण एखाद्या तालाब किंवा याच्यामध्ये थ्रू अ स्टोन इट क्रिएट्स रिपल्स ठीक है उसको बोलते रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम स्पेस एंड टाइम मे रिपल्स जनरेट द मर्जर इन द पेर ऑफ ब्लैक होल्स ठीक है ब्लैक होल्स वाला पार्ट जो ब्लैक होल्स इज नथिंग बट लाइट कैनॉट नॉट एस्केप फ्रॉम दैट पार्ट इट्स नथिंग बट वेन अ स्टार कंज्यूम्स इट सेल्फ बिकम्स अ ब्लैक होल बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ो इसकी एक बुक है थियोरी ऑफ एवरीथिंग मे हॉकिंग डिस्टेंस स्पेस ऑफ टाइम एंड दैट डिटेक्शन है सचारो किस है ब्लैक होलच फिनोमिना केस मध्य फार हेल्प द डिटेक्टिंग दिज बाइनरी ब्लैक होल मर्जर द लिगो कोलैबरेशन हैज मेड सिक्स सच ऑब्जर्वेशन किवेश हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन डिड दे मेक सिक्स ऑब्जर्वेश मेड सिक्स ऑब्जर्वेशन फाइव ऑफ विच वेर दर्जर्स ऑफ ब्लैक होल ऑब्जर्व सहा सहा केस साइंटिफिक कोलैबरेशन केिक्स ऑब्जर्वेशन या सहा पैकी तुम्हारे केस मध्य ब्लैक होल्स वेर इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ स्पेस विथ अ वेरी डिफरंट कैरेक्टरिस्टिक सच एज मास एंड वन वॉज द मर्जर ऑफ द ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार्स ठीक है सच मर्जर्स है इवन बिफोर द डिटेक्शन डिटेक्ट के अगोदर

तो तो हो गया waves are आर कॉज बाय merger ऑफ बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स अभी इधर ग्रेविटेशनल waves कहां से बनते हैं अगर ये बोला है आपको तो उससे एक पार्ट क्लियर हो जाएगा या केस यहां पे दीज waves These waves are ripples and fabric of space and time arising. Arising means what? Arising from the merger of the pairs of black holes. Arising manjaka fakta tumcha language. What do you mean by arising? That's it. I want to know the meaning of this one word. What do you mean by या या जो ट सिंपल लैंग्वेज मध्य लैंग्वेज मेला ग्रेविटेशन वेव्स आर कॉज मर्जर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स अभी मर्जर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार के बारे में क्या बोला है? एक बार देख लेते हैं आप लोग द मर्ज स्टार्ट केले या कुछ फाइव ऑफ दीज द मर्जर ऑफ द ब्लॅक होल्स वेरी डिफरेंट लोकेशन ऑफ स्पेस विथ वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मास्ड वन वॉज दी मर्जर ऑफ द दो कॉल्ड सो कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स बायनरी ऐसा तो किधर बोला नहीं है कि न्यूट्रॉन स्टार स्टार्ट ब्लैक होल जो है so तो जनरेट होते आता ग्रैविटेशन वेवर वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम आर राइजिंग फ्रॉम द मर्जर ऑफ द पेयर ऑफ ब्लैक होल अतः ब्लैक होल दिलाते ही थे ये कट करके अगर ब्लैक होल्स दिया होता था तो सर आपका आंसर करेक्ट था क्योंकि वो आरइस कहां से हो रहे हैं ब्लैक होल से हो रहे न्यूट्रॉन स्टार से तो आरआईस नहीं हो रहा न्यूट्रॉन स्टार तो बाय प्रोडक्ट है तो न्यूट्रॉन स्टार दिया है तो सर आंसर आएगा क्या न्यूट्रॉन स्टार बिल्कुल नहीं सर इसकी वजह से ये आंसर कैंसल आउट हो गया तो फर्स्ट और सेकेंड तो कैसी भी नहीं है बचा थर्ड एक चेक कर लेंगे ईच मर्जर ऑफ ब्लैक होल इज ऑब्जर्व बाय दी एल एस सी वॉज डिस्टिंक्ट हंड्रेड एंड वन परसेंट यही लिया देखो यहां पे फाइव ऑफ ब्लैक होल्स एंड विध वेरी ब्लैक ऑब्जर्व किए वो सब different थे space के time के विध रिस्पेक्ट टू अदर कंडीशन आंसर थ्री और आंसर थ्री ओनली थ्री किसी का आया नहीं मतलब फर्स्ट बॉल पे आपकी विकेट इसे रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं आता ना तो कोई स्किप बोलता तो भी मैं छोड़ देता था हाँ। दिले ना विथ वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विथ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरी ब्लैक होल विथ स्पेस मास करेक्ट मुझे लगा था कि थोड़ा लेवल बढ़ा सकता हूँ बट आई एम गेटिंग कि वेव कि थोड़ा बेसिक ले सकते पहले और थोड़ा फिर बढ़ाए ठीक है तो अगर एग्जाम में आ रहा है और अगर आप श्योर नहीं हो तो गोड़ा बिल्कुल मारू ना ओनली थ्री देना कौन है वो लवकर संगा तुम्हें दिल है का ओके मत मी खरच खुश जो ओनली थ्री वाला कौन है भयंकर खुशी जाने तो पहला अगर गलत हुआ तो कोई नहीं सर चलता है आगे 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 करें जाए चलो डेटा शुरू करते गलत भी होता तो गलत सर माजा आंसर बरबर है ओके मीपन बरबर दिल ठीक है ओनली थ्री करेक्ट हो सर डेटा सफिशियंसी स्टार्ट करना है कंडीशन आउट ऑफ दिस फाइव विच इज सफिशियंट इनफ टू सॉल्व दिस आंसर चलो सर थ्री मिनिट्स ओनली सुी शिंगोटे ओनली थ्री पजल ओके बारीच होता ओके घनश्याम चलो ट्राई करो सर थ्री मिनिट्स डेटा सफिशियसी येस गणेश पझलसारखाच अप्रोच पाहिजे आउट ऑफ दिस फाइव आएगा टुगेदर नहीं है चलो मुझी जो बोल रहे हो आप तो दूसरा आया और क्वेश्चन अभिजीत ठाकुर ई सिंगल आंसर है सिंगल इट शुड बी सिंगल आंसर संग्राम सी अक्षय थोराद काजल ठीक है ठीक है ठीक है यार है नहीं सिंगल आंसर भाजपा श्वेता वंदना ओके okay. चलो अभी ना बनाम नहीं पढ़ते सॉल्व करते क्या बोला चलो वॉट इज द कंडीशन एट पर्सन सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर ए सीट सर्ट टू देंटर है ए सीट सर्ट टू दी ए विर इज इमीजिएट लेट लेफ्ट ऑफ एफ एफ ऐसी इमिजिएट लेफ्ट है तो विचार लंसर वैशाली ओनली वन ऑप्शन शुड बी करेक्ट नॉट टू ठीक है चलो पहले इसे देखते क्या बोला पी इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डी डी सीट्स अपोजिट बी सीट्स अपोजिट टू एच

ओके बी सीट्स अपोजिट है सी सीट्स इमेजेट लेफ्ट ऑफ़ डी आ समझो सी थे कितना डी चा इमेजेट लेफ्ट सी कितना बी चा अपोजिट एच पाइजे इधर कहीं पे भी आप अपोजिट नहीं बैठा सम एक काम करो फिर ये दोनों का आप उठा लो जर तुम ही तो एक मिनट रुक जाओ यहां तो नहीं बैठने वाले जर या केस डी इमिजिएट लेफ्ट सी लसल ला और बी ऐसी ऑपोजिट है एन एच ऑपोजिट आग है बीओर एच यहाँ पे बी ऑपोजिट आ गए एफ सी इमिजिएट लेफ्ट एफ नहीं बसनर इधे ची ऐसी फिक्स नहीं तो यह दोगा शिफ्ट के लिए ए ची जागे भेटना नहीं केस मध्य फर्स्ट में तो आंसर नहीं मिल रहा आता माज एक् अप्रोच् मे अप्रोच क्या ना पहली कंडिशन कभी चेक करती का महत्ति पैलाप है क्या कुछ इनबिल्ट बिल्ट सॉफ्टवेयर इशू है मी ना फर्स्ट ऑप्शन कभी चेक करते मैं स्टार्ट करता नीना डिसेंडिंग ऑर्डर पास करते ई पास डायरेक्ट ए पड़ता मैं तसा चेक करते कोडेड कि ब्लड क्वेश्चन रिशन किन आल मजा अप्रोच हास्त तो शायद मुझे लगता है कि वह एक पार्ट हो सकता है बट इन योर केस आता फर्स्ट से चेक करना शुरू किया है फिर चेक कर लेंगे कोनी करता का फर्स्ट, फर्स्ट चेक ही नहीं करता। डायरेक्ट लास्ट से शुरू करता। Anyone who does that, does like this, है सी ऑप्शन डायरेक्ट चेक बी okay. और सी एक दूसरे को adjacent चाहिए। तो सर बी और सी एडजस्टेंट चाहिए पर दोनों सी को एडजस्टेंट नहीं है जर सी एडजस्टेंट नहीं है केस में ओके ना मटल एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एच इज टू द राइट ऑफ डी डी के केइट कॉया एच एफ को इधर बैठा दो एफ के इमिजिट लेफ्ट को एच तो सी इज करेक्ट सी इज करेक्ट सर मी मिडल पास स्टार्ट करते सर ओनली एनी आंसर ओनली एनी आंसर ये नहीं बी एनी ची पोजिशन फिक्स होती नहीं मैं आता चेक के लिए तुम्हार हिशोने सी आंसर करेक्ट है ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ओके okay. चलो या तक किसी को प्रॉब्लम क्योंकि अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सॉल्व करता ना भयंकर मजा है सर आरबी मे मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर देते स्टिल आई वुड से आई वुड स्टार्ट फ्रॉम ही मजा वे ठीक है कृष्णा चलो या तक पार्टिकुलर एक बार कन्फर्मेशन देते समझ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ना कभी सॉल्व के नेक्स्ट क्वेश्चन कोणी कभी सोल्व के कारण की हा क्वेश्चन तुम्हारा बनवुन सॉल्व क्या दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक एंड देन सॉल्व कैसे एक बार बताता हूं देखो वाचा बर का सर एक मिनट का टाइमर दे दो प्लीज कैन यू हैव हैन मिनट टाइम सर चलो प्लीज रीड दिस फॉर वन मिनिट सर टेलिग्राम से पजल घया ओके नक्की नक्की घो तो अजय फक्त हा वाच पैले चलो रीड के एकदा कन्फर्मेशन दया हा क्वेश्चन खरच खूब भारी है सॉल्व करता भयंकर मजा है वन स्किप्ट तो जिसने भी स्किप किया खरच मूर्खपण है अभिषेक पांच क्वेश्चन आएंगे इसके पांच क्वेश्चन और पांच के पांच क्वेश्चन ड्यूएबल तो, प्रमोद बिल्कुल अनप्लेएबल बाउंसर नहीं बिल्कुल अनप्लेएबल बाउंसर नहीं खरच सी जर मैं संगित हा क्वेश्चन ना जर मैं हा क्वेश्चन ना Be shocked कि यार इतना simple है और ये मेन से पूछेंगे और ऐसी लैंग्वेज में पूछेंगे देखते किसी को और चाहिए रीड करने के लिए I think one minute sufficient enough. तुम्हें ऐसा नहीं कि का मटल है जल्दी एक बार कंफर्मेशन दे दो नहीं समझ ओके यस सर हो ओके लास्ट लेटर कोड ओके पाकड़े सौरभ देश पांडे सौर में बाप फ्लावर वैलेंटाइन तो अभी दूर है ना फोर्टीन को तो भी मुझे दे रहा है वो <laughs> करो सर गॉट इट सर ओके स्टार्ट ना अभी मैं एक बार एक्सप्लेन कर, कर पॉइंट का है मग तुम्हें सॉल्व कर का हरकत नहीं मैं सामू दे केस अभी तक आपने जितने भी इनपुट आउटपुट सॉल्व किए जितने भी इनपुट आउटपुट सॉल्व किए प्रत्येक इनपुट आउटपुट समझा ही स्टेप नंबर वन है ये स्टेप नंबर टू है ये स्टेप नंबर थ्री है ये स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फाइव अस का अभी तक तो ऐसा था अभी प्रॉब्लम क्या है

ये पॅरेग्राफ बोलाय या पॅरेग्राफरनं इतन डिसाईड होईल की पहिली स्टेप कोणती दुसरी स्टेप कोणती तिसरी स्टेप चौथी आणि पाचवी मग ह्याच्यातला लॉजिक फाइंड करायचं जो लॉजिक फाईंड केला आहे तुम्ही तो ह्या इनपुटला लावायचं आणि हा आन्सर काढायचा ऐसे किती क्वेश्चन पास पाच इथपर्यंत आहे बोलो क्वेश्चन क्लियर आहे एकदा लगेच कन्फर्मेशन देऊन टाका की सर क्वेश्चन क्लिअर आहे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग अँड आय वॉज थिंकिंग क्वेश्चन तो लेना ही चाहिए तो जो फियर है ना अनप्लेबल बाउंसर था एखा सरप्राइज एलिमेंट तो शंबर टक्के गल्दी क्लियर है जल्दी कंफर्मेशन और ये सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि सॉल्व करता एक मजा बहुत आने वाला है क्योंकि तुम्हारा स्टेप नंबर पर ले उसका लॉजिक डी करना है नेक्स्ट इनपुट मध्ये तुम्हाला ती स्टेप परत लिहायची पार्टिक्युअर आहे आतापर्यंत बघता आपण स्टेप ने डारेक डीकोड ना डायरेक्ट लॉजिक डिकोड करायचो ना हा नवीन आहे तुम्हाला स्टेप नंबर पण बघायचे कोणते येणार ठीक आहे चलो फिर शुरू कर देंगे इनपुट पास है फर्स्ट स्टेप स्टेप के लिए कुछ रख सकते का देखते थोडा कॉमन सेंस लगाने का ट्राय कर। करते हुँ? क्या बोलाय या पहिले ट्राय करते क्या हो फर्स्ट ट्राय करता तुम्ही सर एक तीन मिनिटाचा वेळ यावर ना तीन मिनिट दे रहा यांच्यातली पहिली दुसरी तिसरी चौथी स्टेप कोणती ते फाईन करायची तुम्हाला ठीक आहे थ्री स्टेप्स ट्राय टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम इन केस नाही आला तर मी आहे घाबरायची काय गरज नाही पण खूपच मजा आहे का सॉल्व्ह करते ठीक आहे चला ट्राय करा बरं खूप मजा आहे सॉल्व्ह करताना लेट्स मेक दिस सेशन व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग ओके okay, क्या बोल रहे हैं फोर वन टू फाइव थ्री एक्सप्लेन करा बिल्कुल एकदम आराम क्या गरज नहीं मैं फक्त अभिषेक क्वेश्चन अभिषेक स्किप करने जैसा क्वेश्चन है क्या नहीं ना मैं जब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तब तू मुझे बताना कि स्किप करना चाहिए या स्किप करना नहीं चाहिए वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर आया ना मतलब बाकी लोगों का सॉल्व हुआ दैट मीन्स इट इज डूएबल एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व देखो क्या बोला

एंड चारो सहा सात आठ नहीं तो ये तो नहीं है चौदह बारह वीस अट्ठाईस डायरेक्ट फोर्टी से अर्धर तीक स्कोर नहीं ना। मतलब सर यही स्टेप बच्ची सो फिफ्थ स्टेप तो मेरा डायरेक्टली भेटली दिस इज माय फिफ्थ स्टेप क्या है फिफ्थ स्टेप मेरी जीरो फाइव जीरो थ्री zero two one zero zero three sorry zero three zero two one zero nine and eleven zero nine ऐंशी पेक्षा कमी परफेक्ट चलो फिफ्थ स्टेप तो मिल ये जो आहे रहेगा या तो ये फर्स्ट या तो थर्ड सिमिलरली फर्स्ट किंवा थर्ड हे तर फिक्स फिफ्थ स्टेप भेटली मला तो सर फोर्थ करतो थर्ड हँड रायटिंगचं काय करायचं की आई पण म्हटलंय मला व्हिडिओ बघून का हँडरायटिंग कशी काय एवढी म्हटलं आता काय करणार त्याला हँड है। रायटिंग बी खराब आहे चलो तक तो क्लिअर आहे देन स्टेप Which has the highest number at the first element will come before the steps which has all the numbers. Okay. The highest number forty seven. Which has the highest number? Which has the number in all the steps? step fifth The numbers with alternate position. द नंबर्स विद अल्टरनेट पोजिशन इज नॉट फर्स्ट स्टेप अल्टरनेट पोजिशन कौन सी है ये अल्टरनेट है ट्वेल्व ट्वेंटी दिस इज नॉट अल्टरनेट पोजिशन सॉरी फर्स्ट नहीं, नहीं, नहीं थर्ड अगर ये फर्स्ट नहीं आएगी तो दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप इफ दिस इज थर्ड दिस इज फर्स्ट खत्म अभी फर्स्ट स्टेप क्या आ गए आपकी टैलेंट 47 सेवन talent 47 28 teacher turn any 12 hey clear third step third step is turn 12 talent 28 टैलेंट ट्वेंटी एट टीचर फोर्टी सेवन ना आई नीड टू फाइंड सेकेंड एंड फोर्थ एनी सजेशन ई सजेशन एनी सजेशन सेकेंड और फोर्थ के लिए क्या बचा है सेकेंड और फोर्थ अरे सर नंबर वाला तो ये भी पैटर्न है ना तो इसके पहले चाहिए आपको कौन सी स्टेप फोर्टी सेवन वाले हाइएस्ट नंबर तो मंजे 47 is here 47 teachers turned 47 teachers turned 12 talent 28 और यहां पे आपकी स्टेप आ गई दैट इज 14 12 20 28 18 एंड 47

हे दोन चेंज आए। 28 है टैलेंटी एट घीचर सेवन घेलाइट एंड पास बारह अट्ठावी सत्तेच मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो फिक्स हो गया टर्न टैलेंट टीचर इधर ही क्लियर है कि टी है मतलब नंबर ऑफ लेटर्स है नंबर ऑफ लेटर्स आर फोर नंबर ऑफ लेटर्स आर सिक्स एंड नंबर ऑफ लेटर्स आर सेवन मतलब नंबर ऑफ लेटर्स इंक्रीज होने वाले ये पार्ट भी आपका क्लियर है Now third say fourth step. Hai. from third step, to I need to go to fourth step? Third say fourth, mate number as it is. These numbers, these numbers are as it is, which is your twelve, which is your twenty-eight, which is your forty-seven. Numbers are as it is. Ye turn to fourteen. Liya. Can I say the last letter is N, which makes it fourteen? Similarly, talents are T, which is twentieth. R एटीन दैट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ द वर्ड दैट इज द लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज परफेक्ट एवरी लॉजिक इज क्लियर नेक्स्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फोर प्लस वन फाइव टू प्लस वन थ्री टू प्लस जीरो टू एट प्लस टू टेन एट प्लस वन नाइन एंड फोर प्लस इज इलेवन चलो आता शांत डोक उत्तर दिया हा क्वेश्चन स्कीप कराया पाजे होता का स yes या no? <laughs> बिल्कुल नहीं पाजे इसलिए एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं ना अभिषेक ट्राई दो अंडरस्टैंड कि सिर्फ डराने के लिए रखा है सिर्फ डराने के लिए पॉसिबल है सिर्फ थोड़ा अप्रोच अभी इसका ऑप्शन आपको फाइंड करना है इनपुट तुम्हारा दिल है हाँ हाला तुम इनपुट सर थ्री मिनट्स ऑन द्लॉक आई वॉन्ट यू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल थ्री मिनिट्स सर तुम्हारा लॉजिक तो तसा ही समझला है ना सिर्फ यह इनपुट दिया इसका लॉजिक स्टेप निकालना है खत्म क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू एकदम बारी होता सर क्वेश्चन इजी सॉल्व के अंदर समझला ओके थैंक यू पूनम खत्म हो गया यही आंसर क्लियर हो गया थर्टी एट इज आंसर जे क्वेश्चन इनपुट वर का कंडीशन दिखे पांच पैकी पास आराम होते मीनू ना भीति नका करू अशा क्वेश्चन की यार सर बहुत डिफिकल्ट है स्कीप करना चाहिए अरे पहले पढ़तोलो समझतो लो टेक सम टाइम आई नो इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम एज कम्पेर्ड टू एनी अदर स्टूडेंट आई कंप्लीटली एग्री बट हियर योर कामनेस मैटर्स कितना शांति से पढ़ रहे हो कुछ मला ना कोणतरी म्हटलं सर तुम्ही ना पझल जेव्हा घेता ना म्हणे सर ते तुमच्याकडनं लगेच बसतं म्हणे सर आमच्याकडनं बसतं एक तर माझा प्रोफेशन आहे तर ते तर मला करणं गरजेच आहे ब्रेड अँड बटर का सवाल और दुसरा पझल पडते कोण कंडिशन पडते हो ना टाइम स्टॉप्स वो टाइम ना रुकण्याची की यार क्या बोलाय ओके दिस इज द थिंग कभी बैठेगा कभी नहीं बैठेगा बट ट्राय तो करना पडेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल हाँ एस पीओ आई पी ओ मेन्स मन आला होता ना आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन आईबीपीएस पीओ मेन्स एज वेल ओके सर कैन वी हैव थ्री मिनट्स ऑन द क्लॉक प्लीज चलो क्या बोल रहे आंसर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन डी ऑप्शन बी ऑप्शन बॉम्बे और दिल्ली में बॉम्बे आपका थर्टी बता रहा है और ट्वेंटी सेवन है भूषण एवरीवन वन से कुनाल ओके okay, शितिजा मुजीब चलेगा तो चेक करेंगे क्या बोले आपको सिंपल क्वेश्चन है इसमें ना एक मेथड बोलता हूँ एग्जाम में ये मेथड ट्राई करो इट विल सेव योर टाइम मेथड मीन सिंपल अप्रोच नॉट जस्ट ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स है, बट जस्ट लिटिल कि एग्जाम में ना जब भी ये डिफरेंस या इसका एडिशन है ना पहले लिख के ले लो साइड में रफ पे. तो सहानी जर परसेंटेज है तो यहाँ पे कितना है प्लस फाइव आई डोंट रफ वर्क ना तो ऐसा लिख के रखो साइड में प्लस फाइव प्लस मगर फाइव टू एट है प्लस थ्री

चलो, क्या बोला क्यू डॉलर पी क्यू डॉलर पी कहना से नॉर्थ ऑफ पी नॉर्थ ऑफ पी ला क्यू नॉर्थ ऑफ पी है क्यू नाइन बोला है तो अगर डॉलर के लिए कितने से इंक्रीज हो रहा है तीन तो इसे कितनी इंक्रीज होना है ट्वेल्व ठीक है चलो एक बार चेक कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं डॉलर साठी किती इन्क्रीज होतोय तीनने तर पाच चे जर आठ होत आहे तर चे किती होते तुमचे ट्वेल्व चलो आणि नंतर त्यांनी आर पर्सेंट क्यू आर पर्सेंट क्यू म्हणजे क्यूच्या ईस्टला आर पाहिजे क्यूच्या ला आर पाहिजे फाईव्ह आहे पाच ने इन्क्रीज होत म्हणजे दहा येणार आहे क्यूच्या ला आर अँड डिस्टन्स इज टेन त्यानंतर म्हटलंय त्यांनी आरच्या ॲट द रेट दिलाय आर ॲट द रेट म्हटलंय ऍट द रेट मीन्स साऊथ आरच्या साऊथ आहे एस हे किती इन्क्रीज होते चार नाही तर हे चार म्हणजे आठ न होईल म्हणजे या केस मध्ये एस आज so, okay. आहे का सो दिस पार्ट इज एट ओके अँड दिस वेरिएबल इज एस या तिअर आहे नेक्स्ट पार्ट त्यानंतर टी आणि यू व्ही यू असं दिलेलं आहे पण नेमकं कोणतंच वेरिएबल नाही पण त्यांनी इथे गिवन डेटा दिलाय आर आणि व्ही बद्दल डेटा दिलाय तो इथेच यूज करून घेऊ ला आर एंड वी आर एंड बी मीन अगेन वेस्ट वी ऐसी ठीक है वेस्टर आर है? है ना तो इसको भी छे से बढ़ा नौ मेक इट नाइन तो, तो इधर हो गया यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो एनी वन कैन आस्क बी है थे? ओके बी बलो मगर वी डॉलर यू V डॉलर यू means यू या नॉर्थला वी पाजे यू या नॉर्थला वी पाजे फिफ्टीन च है फिफ्टीन च है हा केस मध्य तीन ही इज होटीन टील हर इट शुड बी ट्वेल्व एंड इफ दिस इज ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्थ दिस शुड बी सिक्स दिस बी यू ठीक है चल टी वी एन यू टी अू चू यू एंड मटल यूच्या वेस्टला ती यू च्या वेस्टला या केस मध्ये तुम्हाला पाहिजे दॅट इज थ्री थ्री म्हटलंय अँड मध्ये म्हणजे या केस मध्ये सहा ने इन्क्रीज होईल म्हणजे नऊ जाणार आहे नऊ गेलं म्हणजे एक्झॅक्टली टी जो आहे तो ह्या एक्सिस वर मतलब टी आ जाएगा आपका यहां तक टी यू व्ही आणि डब्ल्यू राहिलाय वी और डब्ल्यू रह गया अभी वी और डब्ल्यू के लिए परसेंट दिया है परसेंट मतलब वेस्ट वीचा वेस्टला वेस्ट डब्ल्यू है वीचा वेस्टला वेस्ट डब्ल्यू है दिस इज थ्री मुझे फाइव नहीं इंक्रीज होता है एट ठीक है मैं फिर आंसर चेक क्यू पी आर क्यू एस आर टी यू नाइन है। वॉट इज द डिस्टन्स बिट्वीन क्यू एंड डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू का डिस्टन्स पूछा है। टेन प्लस नाइन प्लस एट ट्वेंटी सेवन ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट सर हैंग हैंग हतो है। चलो यहाँ तक पार्ट क्लियर है एक बार कंफर्मेशन दे दो देो डी इज करेक्ट यस गिव मी अ कंफर्मेशन डी इज करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हैव अगेन कोडेड वाला पार्ट ठीक है सर कैन वी हैव थ्री मिनट्स थ्री मिनट्स कल तीन मिनट स्पीड और टू मिनट्स ऑन द क्लॉक चलो टू मिनट्स ऑन द क्लॉक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ chalo give me a confirmation as soon as you get the answer चलो क्या बोल रहे आंसर सर तो ईन बी मधे को रिलेशन आहे एक मिनट कुछ कन्फ्यूजन आहे एक मिनट चेक करते एट द रेट पे रेट और यहाँ पे ना डोले मोटे करा आंसर क्या दिए बॉल्स विचार तुम्हारा आंसर फॉल्स टिकू टिका चेक कर फाइनल आंसर बताओ फाइनल आंसर बताओ yes. फर्स्ट ऑप्शन मध्य हो क्लियर आंसर तो दैट इज बी बाकी रेस्ट केस मध्य तुम्हारा एफ ग्रैंड सन भेटेन बीचर है टाइम वेस्ट करना नहीं सर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पहले ऑप्शन छोड़ सकते छोड़ के सॉल्व किया ओके okay. अरे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी ट्राई करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर को भी ट्राई करू मॉक टेस्ट में ठीक है इंप्रूव योर लॉजिकल स्किल्स एज वेल चलो So the so next question, one minute please. वो शॉर्टकट पन यूज़ करो सकते शुभम का हरकत कथन एज लॉन्ग एज आंसर फास्ट दे तो दूसरों तो यूज़ करा सर ठीक तो है मैं संतों ना एक डा बागा तुमसे एप्रोच करा है अंकिता दस या इलेवन टेन या इलेवन एक बार चेक करो टेन या फिर इलेवन चेक करो जल्दी से पूनम अंकिता अमोल प्राजक्ता शिवानी प्लीज चेक चलो सपोज टाइम इज प्रीटी मच ओवर ऑल द बॉबल्स ऑफ दर्ड आर आर रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट टू राइट ओके कन्सोनेंट केस मध्य अल्फाबेटिकली ऑर्डर ओके अल्फाबेटिकली ऑर्डर सो दिस विल बी ए एन आयोजर डबल ओ ये तो फिक्स है तुम्सा एन आर डबल टी ये तो क्लियर हो गया हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द बिट्वीन लेटर फ्रॉम द राइट एंड सैकंड लेटर फ्रॉम द राइट एंड अँड सेकंड लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट हँड कितना पोजिशन पे नाइन्थ हा किती पोझिशन आहे ट्वेंटी एथ ठीक आहे आता जर चुकून एखाद्याने अकरा टिक केला तर डायरेक्ट जिऊ द्या नाईन्थ आणि ट्वेंटी एथ ह्याच्यामध्ये स्टार्टिंग कुठून असणार आहे दस टेन पासून तुम्ही सुरू करणार आहे कुठपर्यंत नाईन्टीन पर्यंत कारण की ट्वेंटी तर ब्रिज आहे ना तो मग जेव दहा पासन सुरू करें दहा अक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक तुम्हारे दहा है we'll तो एग्जाम में बहुत क्लोज ऑप्शन रह सकते हैं टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सो आई सपोज तो पार्ट क्लियर पे। ठीक है चलो यहाँ तक पार्ट क्लियर है चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन चलो अगेन सर वन मिनिट प्लीज नाइनटी कर दो तो, चलो सर मुजीबचं काय झालं सर चलो स्कीप हरकत नहीं फक्त रिस्पेक्ट करा क्वेश्चन जो डिफिकल्टे तो वन एंड थ्री ओके नहीं आंसर शुड बी ओनली वन कंडीशन मध्य स्कीप ओके ओके चलेगा देखते क्या बोला आप द फर्स्ट पॉइंट इज लैंडिंग ऑन मास इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सिंगल जॉब दैट पीपल हैव सेट Insights lead scientist Bruce said, Insights lead scientist Bruce Banner, it's a difficult thing, it's such a dangerous thing that there is always fairly uncomfortably large chance. दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग ओके मार्स हैज बीन द ग्रेव फॉर मल्टीट्यूड ऑफ स्पेस मिशन ग्रेव्यार्ड तुम्हारा अपटू नाउ द सक्सेस रेट एट द रेड प्लैनेट इज ओनली फॉर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मध्य मिनिमम सोप्या लैंग्वेज मध्य हो बफर होते आता होना नहीं काउंटिंग एवरी अटेम्प्ट फ्लाय बाय ऑर्बिटल फ्लाइट एंड लैंडिंग बाय द यूएस रशिया एंड अदर कंट्रीज सिंस 1960 अभी इधर से एक पार्ट तो क्लियर है इसका जो टोन है वो कहीं ना कहीं आपको करता है कि यार 1960 या केस जो मार्स वो मिशन पाठता है सक्सेस रेट फार कमी है फार कमी कंट्रीज है सच यूएस रशियास प्रॉब्लम फेस करता है और लास्ट पॉइंट कि सबसे टफेस्ट सिंगल जॉब पैकी हा एक जॉब है फन्नी तो वर्ड यूज के गेस्ट मध्य स्नो स्पेस मिशन टू मार्स वॉज अटेम्प्टेड बिफोर नाइनटीन सिक्सटी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो ये तो यो तो कैसे भी नहीं है अगोदीन सिक्सटीजू शको कि मार्स मिशन जो है सक्सेस रेट फोर्टी पर्से होते लैंडिंग ऑन मास इज दी जॉब इन प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन इज वन ऑफ दी तो so, बी एक ऑप्शन आ सकता है लेट्स वॉन्ट टू सी पार्ट मेजॉरिटी ऑफ द मिशन मेजोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे जर मेजॉरिटी हा शब्द यूज करते मेजोरिटी जर हा शब्द यूज़ शब्दी परसेंट क्रुशल रोल प्ले करना majority मतला, minority मतला, condition है जर मेजॉरिटी माइनॉरिटी कंडीशन वाइज मेजोरिटी ऑफ द मिशन टू मार्स रिजल्टेड इन फेलियर अपन मेजोरिटी कैला तो पन्ना पेक्षा जास्त तो मना चाहिए पन्ना पेक्षा जास्त फिफ्टी पर्सेट पेक्षा जास्त या केस मध्य होते मार्स मिशन का असे अभी यहां से तो एक बात क्लियर सागे ना सक्सेस रेट सिर्फ चालीस पर्सेट है अगर सक्सेस रेट जर चालीस पर्सेट है तो सिक्सटी पर्सेंट तुम्हारे हाथ के फेलिंग मैक्सिम तो है तो सर ये वाला पार्ट भी आ सकता है दिस इज मोर प्रिसाइज अ स्पेस मिशन कैन ओनली बी

इज वन ऑफ दिंगल ना वन ऑफ दिंगल हार्डेस्ट जॉब सिंगल शब्द यूज वन ऑफ द पार्ट पटना नहीं इतने ओनली पे शब्द दिलाई हापन एक कट करूको जो सिंगल ऑप्शन जर बोथ ऑप्शन है तर तो बी ए सी बरबर है सी ऑप्शन जास्त ठीक है तो सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट एज कम्पेर्ड टू बी हाँ अगर बी और सी सोबर आते बी एंड सी पर मार्क बट प्रिसाइजली जर एक ऑप्शन मार्क कर सी आंसर इज करेक्ट बोलो यहां तक पार्ट क्लियर है बोलो एनी वन एल्स वॉज अ डाउट तुम्हें करा बड़ा थम्सअप वाले ओके शुभम वेलकम के नंबर ओके वेलकम टू शोम्स सो अकेडमी चलो यहाँ पार्ट क्लियर है सो so, Those students are having their paper or RRB assistant, maybe, or upcoming your mains paper. Remember this part, those questions which are out of the box are not so difficult. So, try to make sure you are taking such risk when you are solving such questions. Okay. Thank you so much, everyone. Have a very good day. We will meet for another session after your IBPS PO and we will have a review on IBPS PO as well IBPS PO, RRB PO, and SBIP on the same day as well. Okay. So, thank you so much. Have a good day, and all the very best for your paper. Thank you so much.